नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप हमारी आने वाली नई न्यूज वीडियो देख पाए सबसे पहले। बिहार के एक सरकारी दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी इन दिनों हेलमेट लगाकर अपनी कुर्सियों पर बैठ रहे हैं। ये हेलमेट वो शौक से नहीं बल्कि उस मजबूरी में पहन रहे हैं जिसमें उनकी जान जाने तक का खतरा है। मामला पूर्वी चंपारण जिला के अरेराज प्रखंड कार्यालय से जुड़ा है। दरअसल प्रखंड ऑफिस इतना जर्जर हो गया है कि छत टुकड़ों टुकड़ों में टूटकर गिर रही है। दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी छत गिरने के डर से हेलमेट लगाकर कार्यालय में काम कर रहे हैं। कर्मचारी ललन और मोहम्मद परवेज ने बताया कि ऑफिस के हालात इतने बदतर हैं कि आवश्यक कार्य के लिए आने वाले ग्रामीण भी भय से अंदर जाना मुनासिब नहीं समझते हैं। छत जर्जर होने के साथ ही बारिश का पानी भी सीधे फाइल पर ही टपकते हैं। पूर्व में भी कई बार छत टूटकर गिरने से कर्मी व ग्रामीण जख्मी हो चुके हैं। सबसे अहम बात यह है कि भवन निर्माण विभाग के द्वारा एक वर्ष पूर्व ही इस दफ्तर को अमान्य घोषित किया जा चुका है, लेकिन वरीय पदाधिकारी किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं। यदि दोस्तों आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो, यह इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।